गुरपुर कृपा धारी प्रपूरी लोच मारी कर स्नान गृह आए अनद मंगल सुख पाए सोइया तां दुपर एहो विवेक कठोर अत जित कठोर महा दुख दाई कल की मत माह सयो लसकै रहे ना चल जो सस देत दिखाई तेह कारण देह योग नहीं तेह ठोर निवास चले सो बुलाई तत संग मनोज सो भाग गए मत संग विवेक बरे ते आई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु सवारी गुरु खालसा सत संग जीओ। आप समूह गुरु के प्यारे बड़े भागां वाले हो कि चलो संगति रूपे सानू बहण का मौका मिलिया है। पर वो चंद्र नाटक दे 115 बंद पहले अंक दे आप जी ने श्रवण कर ले। इन अंकों में हुण स्टेज उत्ते विवेक अते शुभ मती आई है। मती उहदी घरवाली जिते विवेक आउंदा है उत्थे उहदी मती भी घरवाली आउंदी है। शुभ मत जिथे काम है उत्थे उहदी घरवाली रती है। ते जदों विवेक ने मंच उत्ते अपना आगमन दिखाया ते परदे पिछे लुक लुक के गल्लां करदे सन रती अते काम दे। आओ दोवां दी गल्लां कीवें हो रही हैं ते कीवें हुण स्टेज उत्ते विवेक अते मती आपस विच वार्तालाप करनगे। आओ इस कथा नूं श्रवण करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी सवैया तन दूबर एहो विवेक पिखो रत जित कठोर महा दुख दाई। कामदेव अपनी घरवाली नूं कहण लगा ऐ रती सुण ओह देख स्टेज उत्ते तन दूबर एहो विवेक पिखो। दूबर पतला जा, विवेक ही पतला ही होंदा ना। जिहड़ा खालसा अठे पैर पर खाना कमजोर ही हो जाता पूजा इहदा भी कारण है। विवेक बंदा हर पासों संकोच रखता है, साधना पक करता है, शरीर वल ध्यान घट रखता है, विवेक ही होएगा। दूजा हुण काम दी बिरती वाला है, उन्हें वधिया खाना वधिया बहना आनंद लेना तो मोटा ही होगा, तगड़ा होगा गशन दफ्तर वांग। इस करके हुण दूजी तीजा पक्ष काम ने उन्हें उल्टा ही कहना है, उसका निरादर ही करना है। कहता वो देख पतले शरीर वाला कौन खड़ा है। तन दूबर एहो विवेक विवेक पिखो, ओ वेख पतले जे शरीर वाला दुबले पतले वाला शरीर वाला ओ देख विवेक नजर आ रहा है। रात चेत कठोर महा दुखदाई ऐ रती, रात रती ऐ रती चेत कठोर, ओदा हिरदा बड़ा कठोर है, बड़ा दुखदाई है। एक कठोर तो इन्हां लई है ना, कई वारी विवेकी गुस्से वाले भी होंदे डांगा मारदे, चलो विवेक का पैर पिछे जा कच्चे पी लिया, ठीक है ना, होंदा ही है, गुस्सा भी होना चाहिए। पर इन्हां लई तां फिर गुस्सा ज़्यादा सी, काम लई तां काम लई तां गुस्सा ही होना ना। विवेक दे मन विच काम प्रति तां फिर कठोर भावना आवेगी। महा दुखदाई वो कहिंदा सानूं तां दुख देण वाला है, साडे लई तां उहदी भावना कठोर वाली है। कलखी मत माह सियो लसकै तहे नाचल जो सास देत दिखाई। मत कलखी है, एवें कलखन गुस्से जाई जाना, कलपी जाना, बड़ा गुस्सा करना। कलखी मत माहे सो यो लसकै, इस तरह चमकदी है कलखी, काली मत, गुस्से वाली मत, भैड़ी मत, इस तरह चमकदी है। तो नाचल ज्यो, तो नाचल कहिंदे हिमाचल, हिम आले हुण बर्फ है ना, जिहनूं कहिंदे पोख तुखार ना व्यापई, तुखार है ना उत्थों बने तुषार, तुश तोह तुश बर्फ। हाँ तो नाचल ते आंचल कहिंदे पहाड़ां च, जिथे बर्फ दे पहाड़ हन, बर्फ दे पहाड़ां विच ज्यों जिस तरह सस देत दिखाई, चंद्रमा दिखाई दिंदा, परछाई दिखाई दिंदी उहदी, इसे तरह काले दा नज़र आउंदा है। ते ए काला दे नजर आ रहा, कलखी नजर आ रहा है, ए विवेक एदे वल वेख। इह कारण ते हम योग्य नहीं, इस करके असी इत्थे बहण योग्य नहीं हां। इह ठोर निवास चले सो पलाई ऐ रती, साडा इत्थे निवास करना चंगा नहीं है, चल फटाफट करिए तो दौड़ चलिए। रत संग मनोज सो भाग गए, मनोज रत संग रती नाल मनोज कामदेव दौड़ गया, पाप उस मंच तो परले ओले हो गया।
ਮਤ ਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਭਰੇ ਤੇ ਆਈ, ਤੇ ਮਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਤ ਸੰਗ ਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰੇ ਬਰੇ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਏ? ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰੀ ਮਤ ਸੁਣ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਿਆਸ ਕਾਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਸ ਪਿਆਰੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ। ਐ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੀ ਕਾਨ ਤਬ, ਐ ਪਿਆਰੀ ਮਤ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਕਾਮ ਬੜੇ ਮਦ ਮੈਨ, ਇਹ ਕਾਮ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਏ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਏ ਨਾ ਬਚਨ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਕਾਮ ਦੇ ਹਨ। ਹਮੇ ਬਖਾਨਾ ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਤ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮ ਯਮ ਮੈਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਤ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮਤ ਉਵਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਆਰੇ ਸੁਤ ਨਿਜ ਦੁਖ ਕੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਕੋਇ। ਹੁਣ ਮਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਆਰਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਆਮ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਰਿਆ ਜੀ, ਆਰਿਆ ਸੁੱਤ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਫਲਾਣ ਤੇਰਾ ਪਿਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਅਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦੀ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਸ਼ਾਮ ਕਵੀ ਰਾਮ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੋਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੋਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿ ਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਰਿਆ ਪੁੱਤ ਨਿਜ ਦੋਖ ਕੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀਂ ਸਕੋਏ। ਉਹ ਮਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਿਜ ਦੋਖ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦੋਖ ਨੂੰ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀਂ ਸਕੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੋਖ ਬਖਾਨਾ ਔਰ ਕੋ ਮੂਢ ਜਗਤ ਕੇ ਲੋਏ, ਇਹ ਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਜੋ ਵਾਚ ਸਵਈਆ, ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਨੇਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਜੋ ਜਗ ਨਾਇਕ ਜਾਹੇ ਸੋ ਆਗਮ ਗਾਏ। ਰਾਜੋ ਵਾਚ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ ਮਤੀ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਨੀਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਗ ਨਾਇਕ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਨਿਯੰਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਹੇ ਸੋ ਆਗਮ ਗਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ।
माया दी काल तो रहत है, दुनिया का स्वामी है। तो उदा जस वेद शास्त्र भी गाते, जस वेद पुराणी गाया तो वह भी गाते हैं। मद काम ते होया कि मद नशे अहंकार का नशा, काम का नशा, अहंकार आदि उन्होंने वस हो के, परायण कहते आसरे वस हो के, हाँ जी मद काम ते अहंकार दे आसरे हो के मन ने उस जगत नू, उस नू जगत दे बंधन च पाता। देखो सुनो गल, हूँ अहंकार काम क्रोध नशे आदि के वस हो गए ना, कह लो मन, मन ही बंधन च पै गया ना। वैसे तो मन शुद्ध स्वरूप सी, सचेतन स्वरूप सी, मन जोत स्वरूप सी, मन उही मन इन्हां दे वस हो के बंधन च पै गया। मद काम ते अहंकार दे आसरे हो के, आसरे इन्हां परायण हो के मन ने उसनू परमात्मा नू, परमात्मा ने सचेतन स्वरूप सी ना, उसनू जगत दे बंधन च पा दिता। भाव जीव तो उही सी, आत्म जीव कहने जीव आत्मा, जो जीव पूना सी मन उन्हू बंधन पै गए। तो ये कहते जीव आत्मा दुखित होगी, उन्हें पापात्मा कहन लगे। वो पापात्मा है तो जीव आत्मा शुद्ध स्वरूप सी, पर इन्हां दे वस हो के वह भी दुखित होने लगी, वह भी कलंकित होने लगी। हुण जिहड़े ये काम क्रोध हन, आप तो कहते चंगे आ, सुकृतवंत चंगे काम करने वाले आ। अत दीन दशा तिन की सो करी, बड़ी नीवी दशा करती उन्हां दी, तीवी नीत कहिंदे बुरी दशा करती उन्हीं, बहुत बुरी दशा करती उन्हां दी। ते फिर सुकृतवंत फिर कहिंदे असीं सियाणे आ जी, असीं पुन आत्मा हाँ जी, ये काम आदिक ही अपने आप नूं चंगे कमाण वाले बन गए। ऐ मती असी उन्हां नूं इस काम तो छुड़ाउण लई इत्थे आए हाँ, हम ताहे छुड़ावन हेत लगे, हेत कहिंदे इस वास्ते लगे हाँ, अगवंत ओहो खल मोहे अलाए, सानू वह पापी कह रहे, सानू अगवंत पापां वाला कह रहे, वह मूर्ख आप पापी है काम, तो सानू वह पापी कह रहे, असी उस मनुखा नू इन्हां काम तो छुड़ाउण लई, नशे तो छुड़ाउण लई इत्थे दुनिया ते आए हाँ। सुत आ रहे हुण मती कहन लगी जी, ऐ सियाणे श्रेष्ठ दे पुत्र आर्य दे पुत्र जी सुनो, जो परमात्मा है, जिहड़ा परमात्मा वाहिगुरु परेशर है, सहजानंद सुंदर वेद उचारे, वेद भी कहिंदे हन कि परमात्मा सहज ही आनंद स्वरूप है, सहजानंद, एक सहज भी रब ही है, आनंद भी रब है। जिथे सहज विच आनंद आउंदा है ना, वह आनंद स्वरूप ही परमात्मा है, सहज ही आनंद स्वरूप, सहज ही अपने आप आनंद स्वरूपी परमात्मा है। वेद भी उन्हों कहते हैं, भाव उस परमात्मा सहज आनंद देने वाला वाहिगुरु परमेश्वर उन्होंने वेद भी ज्यादा जस करते हैं। वो तो हमेशा नित्य प्रकाश रूप है, जिमें सूरज प्रचंड सूरज सारी दुनिया को प्रकाश देता ना, तो सूरज हमेशा चढ़ रोज चढ़ता है, कोई जुगर चढ़ रहे कोई सूरज, सोई चंद चढ़ा से तारे, सोई दीनर तपत रहे, इसे तरह वह वाहेगुरु जुगा जुगा तो इस तरह प्रकाश रूप है। तिना पौना भी जिदा पसारा है, हर थां ते जिदा पसारा, तिना पौना विच जिदा पसारा चलता है। भात सुनो परमेश्वर मैं, हाँ इस तरह भात सुनो, ऐ रति जी इस तरह सुनो, मैं तो परमेश्वर दे विच परमेश्वर नूं इस तरह सुनिया है। कह पांत तिन तिन बंधन डारे, हुण मती कहण लगी सुन ऐ फामी जी, ऐ पांत सुनो परमेश्वर मैं तो रब नूं इस तरह सुने है कि वह परमात्मा प्रकाश रूप है, सब कुछ है। ये पंक्ति पिछले जुड़ेगी पिछले नाल, ये पांत सुनो परमेश्वर मैं सुने इस तरह रब नूं, पर हुण मेरे मन च किंतु आ गया के पांत इन्हें तिन बंधन पाए,
इस परमात्मा नूं ऐसे सच्चे ते नव नूं उन्होंने बंधन किवें पाते, ऐसे ना बंधन पाते रब नूं भी किवें पाए कि भांत इन्हें किस तरह इन्होंने काम क्रोध आदिक ने तीन बंधन पाए, बंधन क्यों पाए हैं? दुख सिंध परातम दार दयो किम ताहे तजे गुण आप उदारे। ते वाहेगुरु परमात्मा नूं काल पुरख नूं दुखां दे समुंदर च सुट दिता इन्होंने, ठीक है, सुट के फिर दुख सिंध परातम दार दयो किम ताहे तजे गुण आप उदारे। ते उसने अपने उदार गुण किस तरह त्याग दिते परमात्मा ने वह दसो। परमात्मा उदार हिरदे वाला है, दयालू है, उसने अपने गुण किवें त्यागे ऐ विवेक जी वह दसो। तो हूँ यदा उत्तर देंगे विवेक जी किवें बंधन पाए इन्हां काम क्रोध आदि विकारा ने एक जीव नूं। वो आप जी समय अनुसार श्रवण करना जी, इतनियां बेनतियां प्रवान, भुल चुक दी खिमा फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।